हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। इसमें राइट नाउ हम देख रहे हैं एक छोटी सी वीडियो जो मैं बना रहा हूं। एक ट्रिक ये है टू रिमेंबर ऑल द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, ये ट्रिक सबको मुंह जबानी याद होती है, पर फिर भी अगर किसी को पता नहीं होगी तो मेरी वीडियो से कोई फर्स्ट टाइम दे रहा होगा, मान लीजिए अभी कॉलेज में होगा, इस बार दे नहीं रहा है, सिर्फ ऐसे प्रिपेयर कर रहा है ऑनलाइन, तो वो इस वीडियो के जरिए सीख जाएगा कि जो कौन 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 से शेड्यूल में कौन सा आर्टिकल मेंशनड है, किस चीज़ के बातों के बारे में शेड्यूल्स में मेंशनड है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट से ये एक्सपेक्टेड है कि उसको एकदम उसकी हाथ की उंगलियों पर रटाया हुआ हो कि कौन से शेड्यूल में क्या बात बताई गई है। ठीक है, उसको याद करने के लिए यार देखो छोटा सा फॉर्मूला है, और ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, तो उनके अपमान करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, पर आप एक इमेज रहती है तो क्या है, आसानी से याद रहता है। ठीक है, आप देखिए, याद रहेगा आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपको याद रखना है। इसमें एक एक अल्फाबेट जो है उससे एक एक शेड्यूल निकलता है। ठीक है, 5, 2, 7, 3, 8 और 2, 9 है ना, तो ये इस हिसाब से एक एक शेड्यूल निकल जाएगा आपको। बस ये मनमोहन सिंह जी किसी बात पे वो उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे तो ये फोटो ले ली गई थी, आपको याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आइए देखते हैं ट्रिक कैसा। पहला टीयर से टी है यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, उनका नाम और उनकी एरिया कहां तक है ये पहले शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है, टी से हमारा आ गया, टी से आ गया यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, उनके नेम्स एंड एक्सटेंट। ठीक है, अब देखते हैं आर से, आर से यहां पर उसमें कुछ आप देख रहे हैं इमोलमेंट्स आ रहा है ई से। ठीक है, टी हमारा टीयर्स वाला टी था, ट्रिक वाला टी नहीं था, टीयर्स में अगला अल्फाबेट आता है ई। ठीक है, यहाँ पर आ गया टीयर्स तो नहीं है ये, तो ई से क्या है इमोलमेंट्स। इमोलमेंट्स किसको कहते हैं, पेमेंट, पेमेंट यानी सैलरी, साथ में और भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं, मान लीजिए आपको फ्री में प्लेन में ट्रैवल करने मिलेगा, या ट्रेन में फर्स्ट एसी की टिकट आपको मिलेगी, या एक महीने में 10,000 रुपये तक की फ़ोन कॉल्स आप फ्री कर सकते हो, या आपको दिल्ली में एक बंगला दिया जाएगा, साथ ही आपको स्टाफ रखने के लिए जो है महीने के 10,000 रुपये दिए जाएंगे, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी पर्क्स किसी भी जॉब में रहती हैं, गवर्नमेंट जॉब में तो रहती हैं। और यहाँ देखिए राष्ट्रपति, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सब की बात हो रही है, इनको तो बहुत सारे पर्क्स रहते ही हैं। ठीक है, तो ई से टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का जो टी था उससे यूनियन टेरिटरीज आया। कोई देखिए कंफ्यूज मत होइए, बोलिए तो यू से चालू हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं है, याद रखने के लिए है। ठीक, कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट बैठे, आपको याद रखना है टी से टेरिटरीज है, ई से एमोलमेंट्स है यानी पेमेंट्स वगैरह है, किसके, राष्ट्रपति के, गवर्नर के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, फिर राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के। ठीक है, फिर राज्यों की असेंबली होती है उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, जितने भी संवैधानिक पद हैं देश में, राज्य में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं तो उसके भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इमोलमेंट्स हैं, पेमेंट्स वगैरह हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के और सीएजी के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको एकदम इमोलमेंट इनके यहाँ पर सेकेंड शेड्यूल में मेंशन कर दिए गए हैं। बाकी अब इलेक्शन कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर, फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, इन सब के चेयरमैन भी, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वैसे आई थिंक ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, या शायद माइनॉरिटी कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, अकेली ह्यूमन राइट्स कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सब है। ठीक है, उनका लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है क्या पेमेंट वगैरह आपको डिटरमाइन करना, पर इन सारे पोजिशंस के कुल मिला के राष्ट्रपति और गवर्नर अलग से याद रखना है, बाकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये सब, और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के जज और सीएजी। ठीक है, इनको याद रखना, इनके इमोलमेंट जो है वो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम सेकंड शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, टीयर्स का थर्ड अल्फाबेट है ए, वो एफर्मेशंस एंड ओथ्स, जो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं हर पद के लोग, वो यहां पर मेंशन है थर्ड शेड्यूल में। इसको इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि संविधान में एक अलग शेड्यूल बना के उसको लिख दिया गया है। चौथा आता है आर, राज्यसभा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में आर, राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट्स और यूटीज को कितनी सीटें, कैसा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है राज्यसभा में, वो यहाँ पर मेंशनड है। या यूटीज को भी राज्यसभा में सीट मिलती है क्या, हर यूटी का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, एस पे आते हैं शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पांचवा जो शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल एरियाज बोलते हैं, अगर आपको फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के बारे में डाउट है तो आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हो, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है शेड्यूल्ड एरियाज करके, आप टोटल प्रेप यूपीएससी ऐसा आप सर्च करिए या मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, विद इन द लास्ट मंथ ही मैंने बनाई हुई है, बहुत ही कम समय में 10 मिनट में सारे डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज जो है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, उसके बाद सिक्स शेड्यूल जो एरियाज होते हैं वो अदर शेड्यूल्ड एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। ठीक है, इसको सिंपल में समझा जाए तो जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज है वो मतलब ट्राइबल लोगों के लिए है, और सिक्स शेड्यूल एरियाज में आते हैं जो ट्राइबल है पर उतने भी ट्राइबल नहीं है,
आपके भी दोस्त होंगे शेड्यूल ट्राइब्स एसटी कैटेगरी में आते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि एकदम ट्राइब जैसा जंगल में रहते हैं वो, है ना। किसी आदिम जनजाति के अगेंस्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ, उनका अपना एक डिस्टिंक्टिव संस्कृति होता है, तो जो उतने ज्यादा डिस्टिंक्टिव नहीं है, एकदम ही आदिवासी नहीं है, उनको फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में उनका जिक्र किया जाता है, और सिक्स शेड्यूल एरियाज ओ में अदर शेड्यूल एरियाज, आसाम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार राज्य हैं, उनकी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में मांग उठ रही है कि वो फिफ्थ शेड्यूल से सिक्स शेड्यूल में उनको शिफ्ट किया जाए। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा ट्राइबल है उसे उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है, उनको ज्यादा अधिकार है, तो इस तरह से ये बात है। उसके बाद आप देखते हैं कि सेवेंथ शेड्यूल में फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। जो तीनों लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट जो है वो सेवेंथ शेड्यूल में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एट शेड्यूल में सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, तो सबको पता रहता है। आठवें शेड्यूल में संविधान के वो हमारे संविधान की सारी ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं उनका जिक्र किया जाता है। ठीक है, ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस थी, पर कालांतर में इसमें फिलहाल 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हमारी मदर टंग है मैथिली, वो भी बाद में इसमें ऐड की गई है, सिंधी को ऐड किया गया, देखिए 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1967 में, सबसे पहली लैंग्वेज जो संविधान लिखे जाने के बाद अलग से ऐड की गई थी वो सिंधी थी। ठीक है, 1967 में सिंध हालांकि पाकिस्तान में चले गया था, तो मेरे ख्याल से उसको ओरिजिनल लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया था, पर देखा गया कि बहुत से सिंधी लोग हमारे देश में हैं, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर भी सिंधी लोग हैं हमारे देश में, और हमारे राष्ट्रगान में सिंध से ही चालू होता है, तो बिल्कुल उसका उसको ये दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। उसके बाद देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों लैंग्वेजेस एक साथ 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई। जब टफ क्वेश्चन देना होता है तब अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, ऐसा करके क्वेश्चन दे सकता है कि इस कि जिस ऑर्डर में इनको एट शेड्यूल में ऐड किया गया है उस ऑर्डर में इनको अरेंज करिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखिए सिंधी पहले ऐड की गई, सेकंड खेप में, सेकंड बैच में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 92 में ऐड की गई, फिर 92nd अमेंडमेंट जो किया गया 2003 में, ये बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, मैथिली जैसे आपने आपको मैंने अभी मैथिली के बारे में बताया, संथाली भी बंगाल और झारखंड के बीच में आदिवासी और आदिम जनजाति के तरह के लोगों की भाषा है। ठीक है, अभी बादशाह का एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, बोडो लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल, ये संथाली भाषा का ओरिजिनली एक लोकगीत है। ठीक है, तो उसको 2003 में ऐड किया गया था। फिर देखिए 2011 में एक 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एट शेड्यूल में एक चेंज किया गया था, वो क्या किया गया था, कोई लैंग्वेज ऐड नहीं की गई थी, ओरिया, ओ आर आई वाई ए का नाम चेंज करके ओडिया कर दिया गया था, ओ डी आई ए। ठीक है, तो ये एक अलग से एक तरह का चेंज है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किस चार खेपों में हुआ, पहले बैच में सिर्फ सिंधी ऐड किया गया, दूसरे बैच में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड की गई, तीसरे बैच में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ऐड की गई। ठीक है, और चौथे बैच में ओरिया का नाम चेंज करके ओडिया किया गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है याद रखने के लिए, आप याद रख सकते हैं। अब देखिए 9th 10th, हम 8th शेड्यूल तक आ चुके हैं, 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स वाले सारे कानून है। जब देश आजाद हुआ था तब जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए भूमि सुधार आंदोलन देश भर में जगह जगह किए गए थे, कि जमींदार यानी जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, जाहिर बात है इतनी ज्यादा जमीन पे वो खुद खेती नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे किसान परिवार उनकी जमीनों पे खेती कर रहे हैं, तो उस जमींदारी प्रथा को खत्म करना बहुत जरूरी था। उनसे जमीनों को लेके सीलिंग एक्ट कई जगह कई राज्यों में लगाया गया कि इससे ज्यादा जमीन आपके पास हम रहने दे ही नहीं सकते। वो जमीनें लेके फिर कहां दी गई, जो किसान उन पे खेती करते थे उनको ये दिया गया, लैंड टू द टिलर, ये उस समय का नारा था कि जमीन कृषक के लिए दी जाए। ये देखिए साम्यवादी आंदोलन जो है दुनिया भर में आज भी मौजूद है, उनका ये नारा है कि जमीन जो है खेती करने वाले की हो और कारखाने जो है उसमें मजदूरी करने वाले के हो। ठीक है, ये नारा था, उसी नारे के तहत हमारे संविधान का एक डिस्टिंक्ट सोशलिस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है, सोशलिस्ट हमारे संविधान के प्रीएम्बल में मेंशन भी है अलग से, तो वही सोशलिस्ट रिफॉर्म के तहत 9th शेड्यूल में वो कानून डाल दिए गए जो कि इसमें लैंड रिफॉर्म किए जाएंगे, और 9th शेड्यूल में जो कानून डाल दिए गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात मेंशन्ड है। तो फिर जुडिशियल रिव्यू तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे चुप बैठी है, उसका आंसर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्रिन जो है 1973 में दिया था केशवानंद भारती वाले केस में, तो उनका कहना है कि उसके पहले जो हो गया उस पर बेसिक डॉक्ट्रिन का
का जो फिलॉसफी है उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो 1973 के पहले ही इस तरह के सब कानून आए थे, देश आजाद होने के समय पर ही वो सब 9th शेड्यूल में डाल दिए गए थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट टच नहीं करता है। ठीक है, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल निरोधक कानून जो है उसको 10th शेड्यूल में डाला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हुई राजस्थान में, कई राज्यों में इस तरह से पिछले कुछ सालों में सरकारें गिरा दी गई हैं और नई सरकारें बनाई गई हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित भी आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, गूगल करके आप रखिए, नोट्स बना के रखिए। फिर 11वें शेड्यूल में आपको आती है पंचायतें, ठीक है, और 12वें शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज आती है। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओल्ड का OLD PM आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो बहुत ही आसान है, इसको 15 मिनट में अच्छे से याद किया जा सकता है। मनमोहन सिंह जी की ये फोटो आप याद रखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के बहुत महान नेता हैं, उनकी ये तस्वीर आप याद रखिए। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से टीयर्स से टेरिटरी, ई से इमोलमेंट, ए से एफर्मेशन एंड ओथ्स, आर से राज्यसभा, एस से एस और ओ से 5वां और 6वां शेड्यूल, ये तो याद किसी को भी रहना चाहिए। अगर उस समय आप भूल जाओ तो आप तुरंत रीडिजाइन कर सकते हो, इंजीनियरिंग वाले जानते हैं कैसे, फॉर्मूला बीच एग्जाम में भूल गए तो डिराइव कर लेते हैं। तो 5वां और 6वां शेड्यूल, 5th शेड्यूल एरियाज, 6th शेड्यूल एरियाज, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। तो 5वां शेड्यूल इज एस एंड 6वां इज अदर शेड्यूल एरियाज, ओ करके आप वहां पे लिख सकते हैं, उस हिसाब से 1 2 3 4 आप अरेंज करने से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ऑफ का फिर एफ आता है फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे देश का संघीय ढांचा, ओ इज 8th शेड्यूल, आपको याद रखना है। लैंग्वेजेस के बारे में 14 थी, अब 22 हैं, 4 बैचेस में ऐड की गई, कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, कैसे कैसे ऐड की गई, आपको याद रहना चाहिए। फिर तो बाकी याद रहना बहुत आसान है, 9, 10, 11, 12 लैंड रिफॉर्म याद रखना चाहिए, 9th शेड्यूल याद रखिए, एक तरह से आप ऐसे याद रख सकते हैं। मैंने याद रखा था कि 9th क्लास में जब बच्चे पहुंचते हैं ना, तब टीचर्स का उन पर कंट्रोल नहीं रह जाता है, आप ध्यान देंगे टीचर्स के या माँ बाप का, फिर उनका उन पर कंट्रोल नहीं रह जाता है, 8वीं तक बच्चा बच्चा रहता है, 9वीं तक कुछ और ही बन जाता है। ठीक है, तो 9th में आपको याद रखना है वो कानून डाले गए हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं है, 9th शेड्यूल में, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, फिर 10th में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ है, 10th जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में आप एक बार आ गए फिर आप स्कूल छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, आपको स्कूल में ही रहना है, पढ़ाई करनी है, तो 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ है, कोई पार्टी छोड़ के नहीं जा सकता है। ठीक है, 11th पंचायत है और 12th म्यूनसिपैलिटीज है, आपको मेरे ख्याल से सब याद हो गया होगा और इसको खींचने कोई मतलब नहीं है। थैंक यू गाइस, अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, लोग जब स्टूडेंट जब कमेंट करते हैं, कोई कहता है कि मुझे फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का मुझे पारिश्रमिक मिल गया। साथ ही साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, आपको यार कोई कॉस्ट नहीं है इसका, कोई पैसा नहीं लगना है आपको, आपकी तरफ से कुछ नहीं जाना है, मुझे ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।